हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जीवी व्हाट्सएप सिक्योर है या नहीं, जीवी व्हाट्सएप सेफ है या नहीं। अगर आप भी जीवी व्हाट्सएप के यूजर हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईएफ। तो वैसे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल बटन है उसको दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी यहां से जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो दोस्तों कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो जीवी व्हाट्सएप का यूज करते हैं और साथ ही साथ ओरिजिनल भी व्हाट्सएप यूज करते हैं और फिर जीवी व्हाट्सएप का भी यूज करते हैं, यानी कि अपने फोन में डबल व्हाट्सएप यूज करते हैं और जीवी व्हाट्सएप, फिर भी उसके बाद पूछते हैं कि यार जीवी व्हाट्सएप सिक्योर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। तो मैं आपसे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई अगर आप जीवी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो अपने फोन से अभी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि भाई इस चीज की गूगल भी गारंटी नहीं ले रहा है तो फिर मैं कैसे ले सकता हूँ। क्योंकि जीवी व्हाट्सएप है ओरिजिनल व्हाट्सएप प्लस का एक मोड वर्जन है जो कि इलीगल है, ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। क्योंकि प्ले स्टोर में मिलते हैं सारे जो लीगल ऐप होते हैं वही मिलेंगे आपको, जो कि इलीगल होते हैं वो ऐप आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए गूगल जितने भी ऐप मोड वर्जन के ऐप आपको मिलते हैं, जितने भी मोड वर्जन के एपीके होते हैं वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन एप्स के कोई भी गारंटी नहीं लेगा गूगल और ना ही लेता है, ये गूगल ने साफ साफ कह दिया है। गूगल पर भी सर्च करेंगे इस बारे में, इसके अगर फाउंडर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको वो क्या नाम है उसका, ओमर टाइप का ऐसे कुछ नाम है वो मिल जाएगा। वो उसका काम क्या है, ओनली सिर्फ मोड वर्जन ही बनाता है, जितने भी एप्लीकेशन है सबके मोड वर्जन बनाता है। मोड वर्जन की कोई गारंटी नहीं होती, जो कि गैर कानूनी है। अगर जो चीज गैर कानूनी है तो यार वो हम क्यों यूज करेंगे। जीवी व्हाट्सएप में क्या मिल जाता है, दो चार एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो हमें उसमें खुश रहते हैं। गाइस आप खुद बताइए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जीवी व्हाट्सएप के दो चार फीचर जो हमें मिल जाते हैं या फिर आपके फोन में जो डाटा है वो। अब सिक्योर का मतलब क्या है, आपके फोन में जो डाटा होती है वो होती चोरी। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो सिर्फ यही काम करती है, डाटा चोरी की। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट के बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कौन सी वेबसाइट सिक्योर होती है कौन सी, और उसको फिर पहचाने कैसे कि वेबसाइट कौन सी अनसिक्योर है और कौन सी सिक्योर है। तो फिलहाल व्हाट्सएप की बात करते हैं तो यहाँ पर कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि डाटा चोरी करती हैं कई एप्लीकेशन के जरिए, कई वेबसाइट के जरिए, और फिर सारी डाटा इकट्ठा करके उन कंपनियों को भेजती हैं जो इन डाटा को कौन सी किस वेबसाइट को देनी है और कौन सी किस वेबसाइट को देनी है। आपने देखी होंगी ऐसी बहुत सारी गंदी गंदी वेबसाइट है और वहां पर आप देखते होंगे मतलब ऐसी वीडियोज या ऐसी फोटोज होते हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि यार कोई बंदा है बंदी पागल तो नहीं जो ऐसी वीडियो अपलोड करेगा इन वेबसाइट को सिर्फ पैसों के लिए। हाँ कई MMS होते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो MMS ही हो, क्योंकि यार मोबाइल में जो डाटा होती है वो ऐसी ही चोरी होती है, उन वेबसाइट को ऐसी ही डाटा चाहिए होती है, और ये कंपनियां जो है वो काम करती हैं डाटा चोरी करने का और फिर उनको बेचने का। जैसे कबाड़ होता ना पूरा इकट्ठा करते हैं, ऐसे वो डाटा पूरी इकट्ठा करते हैं और फिर वो उन कंपनियों को बेचते हैं, फिर वो छटाई करते हैं कौन सी वीडियो कौन सी फोटोज कौन सी वेबसाइट को देनी है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है, बात करें जीवी व्हाट्सएप की कि ये सिक्योर है या नहीं है, तो गाइस ये सिक्योर नहीं है क्योंकि ये प्ले स्टोर में नहीं मिलता, ये गैर कानूनी। अभी पिछले दिनों में प्ले स्टोर ने कई हजार एप्लीकेशन को धक्के मार के बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो सिक्योर नहीं थे। ओरिजिनल व्हाट्सएप है वो तो भाई सिक्योर है, सभी जानते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर दे तो इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी व्हाट्सएप के, यार ये सभी जानते हैं व्हाट्सएप एक सिक्योर है। हमें क्या लगता है व्हाट्सएप एक छोटी सी चीज है, प्ले स्टोर में सर्च किया, इंस्टॉल किया और उसमें नंबर डाला और अपनी चैटिंग स्टार्ट कर दी। बट ये नहीं जानते कि इसकी सिक्योरिटी के लिए जो व्हाट्सएप के फाउंडर है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, ये कितना रुपया खर्च करते हैं इनकी सिक्योरिटी। अभी मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कितना, कई हजार डॉलर इस पर खर्च होता है रुपया सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। एक छोटी सी चीज है, हमें लगता है एक छोटा सा व्हाट्सएप है, लेकिन ये नहीं जानते वो उसकी सिक्योरिटी जो इसकी सिक्योर के लिए इसमें जो रुपया खर्च करा जाता है वो कितना खर्च किया जाता है। बहुत ऐसे हैकर है और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जो डाटा चोरी करती हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, यार हमारी डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चार फीचर नहीं होते। अगर मैं अपनी जो राय दूंगा वो यही दूंगा, अगर आप जीवी व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो उसको ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे जीवी व्हाट्सएप सेफ है या नहीं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। कई वेबसाइट है इस चीज का दावा करती है कि हाँ ये सेफ है, बट फुल कॉन्फिडेंस से वो भी नहीं कह रही, वो भी यही कह रही और नहीं है वो भी इस बात से, बट आप यूज कर सकते हैं लेकिन रिक्स है इसमें। भाई क्यों रिक्स लोग, यार आपकी डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई चीज, आपकी डाटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो यार मेरी कोई दुश्मनी जीवी व्हाट्सएप से, नहीं भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जीवी व्हाट्सएप से, मेरा काम था आपको बताना जो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। बट मैं अभी भी यही कहूंगा आपसे कि भाई मैं तो अपनी राय यही दूंगा, अगर आप जीवी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो अपने फोन से निकाल के फेंक दीजिए। अगर हाँ आप डबल व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं कि किस लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप डबल व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो ऐसे प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जो ऐप को क्लोन करते हैं, यानी कि ऐप को डबल कर देते हैं। जैसे आप कोई सा भी हाइक मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर कोई भी एप्लीकेशन को डबल कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप जीवी व्हाट्सएप यूज करेंगे तभी आप व्हाट्सएप के दो अकाउंट चला पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं यार हमें बहुत अच्छे फीचर मिलते हैं, वहां पे थीम वीम चेंज हो जाती है और बहुत कलरफुल है जीवी व्हाट्सएप, तो ये फिर आप पर डिपेंड करता है आप
आपके लिए क्या जरूरी है, आपके फोन के डाटा जरूरी है या फिर आपके दो चार फीचर जो एक्स्ट्रा से बकवास से मिल जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो अनसिक्योर है उनके बारे में बताऊंगा कैसे पहचाने कौन सी वेबसाइट अनसिक्योर है और कौन सी सिक्योर है। अगर आपके मन में कोई सुझाव या फिर कोई सवाल है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरी अगली वीडियो देखने के लिए।